हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं लौकी और चने की दाल। ये हमारी 1 किलो गोल वाली लौकी और 100 ग्राम चने की दाल। ये हमने लौकी कुकर में डाल दी काट के, हमारी वॉश की हुई दाल चने की ये हमने डाल दी इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और 2 हरी मिर्ची, 1 टमाटर है, और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच लेंगे हम इसमें नमक, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक, और आधा चम्मच हल्दी। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, हमने इसमें पानी डाला। देखिए, पानी हमें इतना डालना कि लौकी और चने की तरह डूब जाए। और हमें 4 सीटी लगा के इसे थोड़ी देर सिम गैस कर देनी है। देखिए, लौकी एकदम ऐसी बनेगी। आप चाहें तो इसे घोट सकते हैं, वरना ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब हमने इसमें एक डाला चम्मच तेल, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दाल में धनिया, हरा धनिया डाल लिया हमने। हमने इसमें से पहले आधी दाल निकाल ली है। आधी दाल हमने पहले इसलिए निकाली कि 2 लोग हमारे घर में बिना ऑयल का खाते हैं, तो वही बिना ऑयल डाइटिंग वालों के लिए वो दाल। और ये हमने इसमें धनिया डाल दिया। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली, जो हमारी साबुत है वो वाली, और इसको हम हल्का सा, ये देखिए, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और प्याज डालेंगे और लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी हींग डाइजेस्ट करने के लिए। और ये हमारा तड़का हो गया तैयार। अब हम अपनी लौकी और चने की दाल में इसे तड़का मार देंगे। ये देखिए, हमारी दाल हो गई है रेडी खाने के लिए। आप पराठा, चावल जिससे चाहें खा सकते हैं। और ये थी हमारी बिना ऑयल की दाल। डाइटिंग वाले इसे खाओ, खूब खाओ। We'll be right back.